ट्रांसफार्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अपने आप को सिर्फ लैंड रिफॉर्म्स या प्राइसिस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट तक रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए जब हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम बात करेंगे इट्स कन्वर्शन डायनेमिक सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और ये जो कन्वर्शन है द डायनेमिक सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ

बाई प्रोवाइडिंगीज ऑन दमिंग इम्पोर्ट्स के जो आपके पास फर्टिलाइजर्स हैं या सीड्स हैं उन पर सब्सिडीज दी जाए फिर वहाँ पे बाई कैरिंग आउट मेकनइजेशन वी कैन इम्प्रूवन ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इंटू मॉडर्न एग्रीकल्चर फिर वहां पर बाई ग्राई प्रोवाइडिंग रंटेड प्राइस फॉर द्रॉप्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन ऑल्सो प्ले इट्स रोल इन द्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रेडिशनल एग्रिकल्चर लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में जो आप कह लें बड़ा की रोल प्ले करता है डिपमेंट ऑफ द न्यू सीड्स जब हम बात करते हैं अबाउट ग्रीन रेवल्यूशन इन एशिया तो इसमें आप कह लें बड़ा की रोल था नॉर्मन बोर्लॉक का जो कि फादर था ग्रीन रेवल्यूशन काली क्रॉस जेपनीज डॉर्फ वीट विदिजीज रेजिस्टेंट लोकल स्ट्रेन टू प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड जिसको हमने नाम दिया था दिसको नाम दिया गया द मैक्सिकन डुआर्फ वीट और इसकी वजह से आप कह लें जो आपकी यील्ड थी वीट की दैट इज इंक्रीज बाई थ्री फोल्ड इन पाकिस्तान एंड इंडिया और इसकी वजह से आप कह लें बिलियन बिलियन इन दिस रीजन फिर इसे अब अब यहां पे अब क्या जरूरत है कि टू फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर देयर इज द नीड ऑफ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन और इस सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन में बायोटेक्नोलॉजी आप कह लें एक बड़ा की रोल प्ले कर सकती है या और इसकी वजह से आप बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इट कैन देअ इज रेज इन प्रोडक्टिविटी और उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन रिड्यूस ऑफ इंसिडेंट ऑफ एमिन एंड माल्यूट्रिशन अब जीएम क्रॉप में होता क्या है बेसिकली दिस इज अराइटी वे जीन आर जींस फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज आर वराइटीजेड इन टू यूजिंग बाई यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक और यहां पे इस सारे कन्वर्जन प्रोसेस को करने के साथ आपके पास कहले जो आपके पास क्रॉप डिवेल होगी दैट इज रेजिस्टेंट किस रेफरेंस में डिजीज रेजिस्टेंट होगी वो के रेफरेंस में भी रेजिस्टेंट होगी वो आपके पास ज्यादा न्यूट्रिशियस भी होगी अब उस न्यूट्रिशियस लेवल को इनहांस करने के लिए क्या हो रहा है देयर इज अ रिसर्च दैट इज बीइंग कैरीड आउट और इस रिसर्च के थ्रू तो क्या हो रहा है कि रिसर्च इज अंडरवे टू बूस्ट द आयरन कंटेंट इन द राइस टू कम बैक एनीमिया फिर इसी तरह क्वालिटी प्रोटीन मेज हैज वेल्प है यह सब क्या करेंगे इट विल रेड्यूज द प्रॉब्लम ऑफ अंडरिशमेंट ये जो आपके पास माल न्यूट्रिशन हो रही है दैट कैन बी टैकल्ड बाई इंसल्टिंग प्रोप्रीट क्वालिटीज इन दी क्रॉप और आपके पास आप कह लें अबाउट वन सेक्स ऑफ वर्ल्ड फॉर्म लेड इज डिटेड टू दी एम क्रॉप्स और इन जीएम क्रॉप्स में शामिल क्या क्या है आपके पास वहां पे सोयाबीन भी है राइस भी है कॉटन भी है, यहां पे और वो है? जो भी आप रिस्क की बात करते हो दीज हेल्थ रिस्क आर नॉट प्रूवन येट और जो आपकी जीएम टेक्नोलॉजी है इट बेसिकली प्रोड्यूसेस क्रॉप्स दैट कैन रेजिस्ट पेस्ट्स एंड ग्रोन इन सॉइल्टी सॉइल्स दे आर रेजिस्टेंट टू क्राउट दे यूज नाइट्रोजन मोर एफिशियंटली और इस क्रॉप को आप कह लें इट कैन बी स्टोर फॉर अ लॉन्गर पीरियड और उसके साथ साथ इट इज मोर न्यूट्रीशियस टू अब आप कह लें कि बाई यूजिंग जीएम टेक्नोलॉजी बाई यूजिंग सीड दैट इज प्रोड्यूसर जीएम टेक्नोलॉजी वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन टू मॉडर्न एग्रीकल्चर लेकिन यहां पे एक आपके पास आप प्रॉब्लम कहाँ पे आता है कि आवर फार्मर्स आर रिस्क -वर्स. के दे आर नॉट विलिंग टू तो टेक रिस्क विल्क वैन से आवर फार्मर्स आर रिस्क फार्मर वे वैन दे दे, 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 दे दे यूज द ट्रेडिशनल मैथड ऑफ एग्रीकल्चर दे आर सिक्योर दे फील देम सेल्व स्क्योर एटलीस्ट सर्टन लेवल ऑफ आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस बाई यूजिंग दैट ट्रेडिशनल मीन ट्रेडिशनल मीन ऑफ एग्रीकल्चर लेकिन जब आप जीएम टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व आप कह लें यूज करोगे जीएम जनरेटेड सीड यूज करोगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट तो इट माइट बी पॉसिबल कि अंडर लोकल कंडीशन दैट नॉट परफॉर्म वेल और उसकी वजह से क्या होगा कि जो आपके पास सब्सिस्टेंट फार्म, फार्मर्स हैं इट हैव अ डिजास्टर्स इंपेक्ट ऑन देयर सब्सिस्टेंस और इस चीज को अवॉइड करने के लिए दे आर नॉट मूविंग द वर्ड्स टूवर्ड्स दैट इंप्रूव फॉर्म ऑफ दह लें जब आप रिफॉर्म्स जिसमें आपके पास पॉलिसी कुछ ही इस फॉर्मेट में होनी चाहिए reduce, कि अगर मैं इस सारे को अब एक दफा समराइज कर दू तो मैं कह सकता हूं कि वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इंटू मॉडर्न एग्रीकल्चर बाई यूजिंग कि जब हम अफ्रीका के रेफरेंस में बात करेंगे ऑल दो प्रैक्टिस इन अ ग्रीन रेवोल्यूशन इन एशिया के उन चीजों को यूज करते हुए वी कैन ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर क्या जी हम हाई जील्डिंग वराइटीज यूज कर लें आपके पास फर्टिलाइजर की प्राइसिस को कुछ कम कर दें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कुछ एक्सपेंडिचर्स करें तो ये सब क्या करेंगे इट विल इट विल कन्वर्ट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन टू मॉडर्न एग्रीकल्चर उसके साथ साथ क्योंकि इस ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को मॉडर्न एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करने में जो सबसे की रोल होगा दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू स्टेट और उसमें आप कह लें जो आजकल आपका एक पास रोल प्ले कर सकता है दैट इज द जीएम टेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी कैन प्ले अ रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सीड्स दैट कैन ट्रांसफॉर्म आवर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इनटू मॉडर्न एग्रीकल्चर